मैं छोड़ूंगी नहीं दिशा को, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसकी वजह से हमारे बीच आज भाभी नहीं है, आज हमारी बच्ची किस हालत में। मैं नहीं छोड़ूंगी। रुचिता, रुचिता सुनो, संभालो खुद को। कैसे संभालो निहाजी, दिशा के बारे में हमें पूरे परिवार को बताना चाहिए। वो नहीं तो कोई चाल चल के मुझे फंसा सकते हैं, हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है। रुचिता, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना। दिशा के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, पर हम क्या बोलेंगे घर वालों को कि जूही ने एक ड्राइंग बनाई और उससे मिलते जुलते कपड़े हमें दिशा के पास मिले। तुम्हें क्या लगता है पुलिस इस सबूत को मानेगी? नहीं रुचिता, पर अगर दिशा को पता चल गया तो वो भी और चौकन्ना हो जाएगी। हम क्या करें आज? पता नहीं, लेकिन हमें कुछ भी करके दिशा के मुंह से सच उगलवाना होगा। हाँ, पर कैसे? कुछ तो करना होगा। निहार जी, अगर दिशा ने रेतु भाभी को मारा है और जूही ने देखा है तो इसका मतलब जूही की जान भी खतरे में है, और शायद वो तब भी अभी तक डरी हुई है क्योंकि दिशा उसे धमका रही होगी। भगवान, हमें हर वक्त जूही के आसपास रहना होगा निहार जी, हर वक्त उसके आसपास रहना होगा ताकि वो और ना डरे। सही कह रही हो तुम, इससे पहले दिशा जूही को कोई भी नुकसान पहुंचाए हमें उसे रोकना होगा। हाँ। ये रूही और ये मेरा नालायक टिंकू हमेशा दोनों साई की तरह उसे चिपके रहते हैं। इनको अलग करना होगा, कुछ तो करना होगा। क्या करूं? अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आइसक्रीम वाला आया है, उसके पास बहुत सारी आइसक्रीम्स है, चॉकलेट फज, ब्लैक करेंट और वनीला भी। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ। वाओ, आइसक्रीम। रुचिता, तुम मास्क पहन लो। बेटा जूही, आपको याद है ना, किसी से भी कुछ नहीं कहना। अगर किसी को कुछ भी बोला तो तेरे साथ साथ तेरी बहन को भी ऊपर पहुंचा दूंगी, समझी? क्योंकि अगर कहा ना, तुम्हारी ये सुंदर सी जो शक्ल है, बिल्कुल इस डॉल जैसा बना दूंगी। बेटा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ जी बेटा? बेटा, किसी ने आपसे कुछ कहा था क्या? हाँ जी बेटा, क्या हुआ बेटा? ये ऐसे काम क्यों रही है?
इतने डरे हुए क्यों हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने निहार और ऋतु को आते हुए सुन लिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ऋतु अपने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ इतना क्यों घूम रही है? आखिर चक्कर क्या है? बेटा पापा आ गए हैं ना बेटा, बताओ क्या बात है? हाँ मम्मी, अरे मम्मी कहाँ है? पिंकू बेटा क्या हुआ? मम्मी तो यहाँ नहीं है। मम्मी यहाँ आई थी क्या? मम्मी ने कहा था कि नीचे आइसक्रीम वाला है, लेकिन जब हम लोग नीचे गए कोई था ही नहीं। शायद वो चला गया। उसी की वजह से जूही की हालत है। पिंकू बेटा आप अभी जूही के साथ खेलो, इसके साथ ही रहना, इसको छोड़कर मत जाना, ठीक है? निहार जी, निहार जी प्लीज खुद को संभालिए, खुद को। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं खुद को संभालूं, फिर आप क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? अरे क्या शांत हो जाओ रुचिता, दिशा की हरकतें देखी है तुमने? मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है उसने? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 निहार जी, आपने मुझसे कहा था ना कि हमें गुस्से से नहीं होश से काम लेना चाहिए। बाढ़ में गया होश से काम लेना, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, दिशा बहुत चालाक है, हमारी एक गलती की वजह से वो सतर्क हो जाएगी, फिर हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और हमारी जूही के बारे में सोचिए, उस पर हर वक्त खतरा रहेगा। प्लीज निहार जी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, प्लीज। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा रुचिता, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जानती हूँ आशी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। काश हमारी जूही ठीक होती तो वो कुछ बोल पाती, सबको सच बता पाती। एक तरीका है। क्या? आपके मम्मी पापा जो करने जा रहे हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बेटा हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आपको बचाने के लिए ये करना भी बहुत जरूरी है। खाटू जी, हम इस प्लान में सफल हो या ना हो, लेकिन हमारी बच्ची की रक्षा करना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम तैयार हो ना रुचिता? हाँ निहार जी, वो बस मां निहार जी एक बार फिर से सोच लीजिए, हम जो करने जा रहे हैं वो सही तो है ना? सही और गलत खाटू जी पर छोड़ दो रुचिता, हमें यह करना ही होगा। और हमने डॉक्टर से भी बात की है ना, उन्होंने हाँ कहा है,
तो बस करते हैं। मैं जानता हूं रुचिता, खतरा बहुत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ जूही की भलाई के बारे में सोचना है। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। लेट्स होप जूही को सब याद आ जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जी लेकिन हम लड़ाई किस बात पे करेंगे? दिशा और ऋतु भाभी किस बात पे लड़े होंगे? क्या बात हुई होगी उनके बीच? रुचिता, उनके बीच प्रतीक भाई को लेकर लड़ाई हो सकती है। वही करते हैं, उससे मिलता जुलता ही कुछ करना होगा। तुमने मेरे पति को... अरे मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क तो पहनो। हाँ, अब सर तो ढकी अपना। हाँ बहुत हो गया तेरा नाटक तो तेरा बहुत हो गया है। प्रतीक मेरा है, मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। प्रतीक मेरा पति है, तो अपनी बुरी नजर डाला बंद कर। प्रतीक मेरा पति है, तू अपनी बुरी नजर डाला बंद कर। मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं बनूंगी गोयल परिवार की असली मालकिन। जूही उठ गई। जूही उठ गई करने की। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी ऋतु। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुझे जान से मार दूंगी। बेटा क्या हुआ आपको? ये तिहार जी चिल्ला क्यों रहे? जूही को क्या हुआ? तिहार जी था क्या? नहीं मां, शायद बच्चे शैतानी कर रहे होंगे। बच्ची को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, अब इसका होश में आना बहुत मुश्किल। अगर 24 घंटे के अंदर इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो यह कोमा में भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, सदमा कैसे लग सकता है बच्ची को? हम में से कोई भी हादसे के बारे में कभी भी बात नहीं करते इसके सामने, फिर सदमा कैसे हो सकता है?
निहार, सच सच बताओ क्या हुआ था? इस कमरे में जरूर कुछ हुआ था। तुमने कुछ चूही से कहा? ये कमरे की हालत ऐसे हो रखी है जैसे अभी अभी यहाँ पर कोई तूफान आया हो। क्या हुआ, क्या है, मुझे बताओ सच सच। मॉम, कुछ नहीं हुआ था और कुछ नहीं होगा चूही को। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी देखना, अभी उठ के खड़ी होगी वो। कुछ नहीं होगा उसे। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, अब आप इसे आराम करने दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जूही को होश आ जाए और सब ठीक हो जाए। चलो जूही को आराम करने दो। माँ जी, मैं जूही के पास रुक जाती हूँ। अब माँ नहीं तो माँ जैसा ही कोई सही, मैं रुक जाती। माँ जैसी उसकी ताई जी है दिशा, तुम्हें यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जूही की देखभाल मैं कर लूंगी। ये तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे इसी की बच्ची हो। चलो बच्चे को रेस्ट करने दो। I'm sorry, Ruchita. I'm really sorry. ये सब मेरे प्लान की वजह से हुआ। अगर जूही को कुछ हो गया तो मैं। नहीं निहार जी, आप बैठिए। कुछ नहीं होगा निहार जी, जूही को कुछ नहीं होगा। देखिए, जूही बिल्कुल ठीक है। और आपने अकेले कुछ नहीं किया निहार जी, हमने साथ में प्लान किया था ना, साथ में डॉक्टर से बात किया था, साथ में सोचा था कि हम ये रिस्क लेंगे। मैं मानती हूँ कि हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन आप इससे उम्मीद मत हारिए निहार जी। खाटू जी जूही को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हमें बस दिशा को जूही से दूर रखना होगा। वो कुछ ज्यादा ही जूही के आस पास बढ़ रहा है। जूही को कुछ नहीं होगा। उस दिशा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें उस दिशा का घिनौना सच सबके सामने लाना ही होगा, उसका पर्दाफाश करना ही होगा। क्या हुआ रिति बेटा, ये क्या है? पापा जी, ये आपकी वसीयत के कागज है। वसीयत के कागज? बेटा ये क्यों ले आई हो तुम्हें यहाँ पे? पापा जी, मैं चाहती हूँ कि गोयल ज्वेलर्स, गोयल प्रॉपर्टी और सारी इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एंड शेयर्स, जो भी आपके हैं, प्रतीक जी के हिस्से में जो कुछ भी बनता है, आप मेरी बेटी पीहू के नाम कर दीजिए। तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए? हाँ माँ, मुझे मेरी बेटी के लिए हिस्सा चाहिए। खराब हो गया क्या रितु? पिंकू प्रतीक का भी बेटा है, तो पिंकू का प्रतीक की जायदाद में भी पूरा हिस्सा बनता है। प्रतीक जी का सारा हिस्सा मुझे मेरे बेटी के नाम चाहिए।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रितु? ऐसे कैसे प्रतीक की सारी प्रॉपर्टी पीहू के नाम हो सकती है? अरे माना पिंकू मेरा बेटा है, पर है तो इसी गोयल खानदान का खून ही ना। पिंकू प्रतीक का भी बेटा है तो पिंकू का प्रतीक की जायदाद में भी पूरा हिस्सा बनता है। कैसा हिस्सा दिशा? पिंकू को हमने नाम दिया, इस घर में रख रहे, उसे पाल रहे, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? और मैं तो मर चुकी थी ना, वो तो शुक्र है भगवान का जो मैं लौट कर वापस आ गई। अगर मैं नहीं आई होती तो क्या होता? तब तो ये दिशा मेरी बेटी के हिस्से की जायदाद सब कुछ अपने बेटे पिंकू के नाम कर लेती, और मेरी बेटी को तो भाई पूछता भी नहीं। इसलिए प्रतीक जी का सारा हिस्सा मुझे मेरे बेटी के नाम चाहिए। मैंने कहा दौड़ो वरना मैं खुद को मार दूंगी। दिशा की लालच मुझे अभी से नजर आ रहा है। मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं खुद को मार दूंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी सड़क पे आ जाए, और ये दिशा प्रतीक जी की पत्नी बनकर सब कुछ अपने बेटे पिंकू पे उड़ा दे। दूसरे प्लान के लिए तैयार होना, तो कि मेरा साथ हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। दिशा आज तुमसे सच्चाई उगलवा के ही रहेंगे। मैंने कहा दौड़ो वरना मैं खुद को मार दूंगी। दिशा की लालच मुझे अभी से नजर आ रहा है। मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं खुद को मार दूंगी। मैंने कहा दौड़ो वरना मैं खुद को मार दूंगी। दिशा की लालच मुझे अभी से नजर आ रहा है। मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं खुद को मार दूंगी।